नमस्कार, स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, और बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त रायपुर से, जहां पर अंतागढ़ टेप कांड मामले में एसआईटी द्वारा कोर्ट में वॉइस सैंपल लेने अर्जी लगाई गई है। उस अर्जी पर सुनवाई हुई है और विपक्ष के वकीलों ने आज अपना पक्ष रखा है। बड़ी खबर, 12 सितम्बर को अगली सुनवाई होनी है। वॉइस सैंपल की अर्जी को लेकर यह सुनवाई हुई है। दोनों पक्षों ने अपना अपना पक्ष रखा। अंतर्गत टैप कांड का पूरा मामला है, जहां पर वॉइस सैंपल की अर्जी को लेकर सुनवाई हुई है। डॉक्टर पुनीत गुप्ता की ओर से हाईकोर्ट के वकील विवेक शर्मा ने दलील दी है। मंतुराम भवाल की ओर से वकील अमित बनर्जी ने बहस की। 12 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। अमित जोगी ने कोर्ट में आवेदन दिया है। वकील एस के फरहान के माध्यम से आवेदन दिया गया। आवेदन में कहा गया है कि मामले में वो खुद करेंगे बहस, साथ ही प्रोडक्शन वारंट में उन्हें बाहर बुलाएंगे। बहस के दौरान आरोपी पक्ष के वकीलों ने एसआईटी द्वारा वॉइस सैंपल लेने के लिए लगाए गए आवेदन का भी विरोध किया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रायपुर से हेमंत शर्मा का रुख करेंगे। हेमंत, क्या कुछ जानकारी है? अंतागढ़ टेप कांड में सुनवाई हुई है, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी, क्या जानकारी आपको? जिस तरीके से सुनवाई आज हुई है, जो आरोपी पक्ष के वकील हैं उन्होंने अपनी दलील रखी है, और दलील रखने के बाद आप उसमें जो सुनवाई है वो 12 तारीख तक बढ़ा दी गई है। 12 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। इस तरीके से जो एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करी, उन्होंने जो अंतर्गत मामले के 4 आरोपी हैं उनके वॉइस सैंपल लेने कोर्ट में आवेदन लगाया, तो उसी पर सुनवाई आज हुई है। 12 तारीख को इस मामले में सुनवाई होगी। आज आरोपी पक्ष के वकील ने यही दलील दी कि एसआईटी काफी कुछ कोर्ट से छुपा रही है। इसके अलावा जो इस मामले के एक और आरोपी हैं अमित जोगी, उन्होंने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में आवेदन दिया है कि वो मामले की खुद पैरवी करेंगे, और इसलिए उनको प्रोडक्शन वारंट में बुलाया जाए, क्योंकि अभी न्यायिक अभियुक्त में अजीत जोगी है। जिस तरीके से जाति मामले में वो घिरे हुए हैं, तो उन्होंने कहा है कि प्रोडक्शन वारंट पर उन्हें बुलाया जाए, तो 12 तारीख को प्रोडक्शन वारंट पर अमित जोगी को बुलाया जाएगा। हेमंत, 12 तारीख को अगली सुनवाई होनी है, आज भी सुनवाई हुई, दोनों वकीलों ने अपने अपने पक्ष रखे, किस कौन कौन से पक्ष जो जज के सामने रखे गए, उसके बाद जज का क्या कुछ रुख रहा? और आपसे दरख्वास्त ये भी करूंगा कि आपके साथ साथ एक अन्य आवाज भी आ रही है, आप जरा शांति में जाके बात कीजिए। हेमंत, आवाज नहीं मिल पा रही है आपकी। हेमंत, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, लगता है तकनीकी खराबी के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अंतर्गत टेप कांड का पूरा मामला है, जहां पर वॉइस सैंपल को लेकर अर्जी पर सुनवाई हुई। आरोपी पक्ष के वकीलों ने भी पक्ष रखा है। 12 सितंबर को अगली सुनवाई होनी है। वॉइस सैंपल की अर्जी को लेकर यह सुनवाई हुई है।